नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर मनपा का स्टेशनर और प्रिंटर आपूर्ति घोटाला। वित्त अधिकारी कोल्हे व सहायक आयुक्त धमेचार निलंबित। स्थायी समिति की बैठक में फैसला। नागपुर में शादी की बारात के दौरान हुआ हादसा। ट्रैवल्स के नीचे आने से बालक ने तोड़ा दम। और हैदराबाद का नाम भाग्य नगरी हो तो आपत्ति क्यों? केंद्र मंत्री राव साहेब दानवे ने नागपुर में दिया जवाब। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका के चर्च स्टेशनरी और प्रिंटर आपूर्ति घोटाला मामले में प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे और सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त महेश धमेचा को निलंबित करने के आदेश बुधवार को स्थायी समिति की बैठक में जारी किए गए हैं। बुधवार को स्थायी नागपुर महानगर पालिका समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने पत्र परिषद में कहा कि मनपा में हुआ यह स्टेशनरी घोटाला बहुत व्यापक है। ठेकेदार और मनपा के अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह घोटाला हुआ है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर महानगर पालिका के 2 करोड़ रुपयों के घोटाले में प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी कोल्हे, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त धमेचा, इनका सीधा संबंध देखते हुए महाराष्ट्र नागरिक सेवा बर्ताव नियम 1971 के तहत विभागीय जांच शुरू करने, जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने मनपा प्रशासन को दिए हैं। मी तर नगरसेवक होऊन 5 वर्ष झालो आहे, पण मी याची संपूर्ण माहिती घेतली आणि शहानिशा केली तेव्हा ही फर्म यांच्या वडिलांपासून 40 वर्षापासून इथे काम करते आहे। मग जर 5 वर्षात जर समजा यांनी आम्हाला दिसले हे की या 5 वर्षात यांनी घोटाळा केला असेल तर कदाचित आम्ही तो 10 वर्षाचा 15 वर्षाचा 20 वर्षाचा 25 वर्षापासूनची जी पूर्ण घोटाळा त्यांचा बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही। प्रशासनाने FIR दर्ज केला। जे लोक प्रत्यक्षदर्शी आम्हाला तिथे दोषी वाटले त्या FIRच्या माध्यमातून त्यांना तो FIR दर्ज होऊन त्यांचा PCR घेण्यात आला। आता पोलीस डिपार्टमेंट चौकशी करत आहे। पोलीस डिपार्टमेंटच्या चौकशीच्या माध्यमातून जे समोर येतील आणि आम्ही जे उपसमिती नेमली आहे त्या समितीच्या माध्यमातून जे लोक समोर येतील त्यातून जे लोक राहतील त्यांना आम्ही प्रथमतः निलंबित करू। इस घोटाले के मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। आयुक्त ने स्टेशनरी घोटाला प्रकरण की जांच करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, लेकिन इस मामले में कुछ वरिष्ठ अधिकारी के लिप्त होने की आशंका होने से स्थायी समिति के सदस्य एडवोकेट संजय बालपांडे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रगति पाटिल व आयशा हुके है। 5 साल के लेन देन की जांच मनपा के कार्यालयों को स्टेशनरी और प्रिंटर आदि सामग्री मनोहर साकोर एंड कंपनी, स्वास्तिक ट्रेडिंग, गुरुकृपा स्टेशनरी, SK एंटरप्राइजेस, सुदर्शन नामक कंपनियां उपलब्ध कराती है। इन सभी कंपनियों के पिछले 5 साल के लेन देन की जांच कराई जाएगी। अधिकाऱ्यांनी जी समिति गठित केली ती 1 जानेवारी 2020 पासून केली, या 9 महिन्यातली मागच्या 1 वर्ष 9 महिने, आणि ही 1 वर्ष 9 महिन्यातली जी घोटाळा बाहेर आला त्या संबंधीची इन्क्वायरी करण्यासंबंधीचा समिती त्यांनी नेमली मान्य अतिरिक्त आयुक्तांच्या माध्यमातून। पण मी स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमॅन या नात्याने आमच्या सर्व सभासदांच्या माध्यमातून जो व्यक्ती 1 वर्षी जर 67 लाख रुपयाचा घोटाळा करत असेल त्यांनी याच वर्षी तोच घोटाळा केला असं मी म्हणायला तयार नाही। कदाचित त्यांनी मागच्या वर्षी तो घोटाळा केला असेल, कारण घोटाळा करत असताना प्रत्येक माणसाची हिंमत वाढत असते। म्हणून त्यांनी जो या वर्षीचा 67 लाख रुपयाचा घोटाळा केला तो मागच्या वर्षीचा 40 लाखाचा केला का, त्याच्या मागच्या वर्षी 30 केला का, त्याच्या मागच्या वर्षी 20 केला का? तर त्यामुळे जी 1.5 महिना 1 वर्ष 9 महिन्याची होती, आम्ही निवडून आलो 2017 5 मार्चपासून आम्हाला चार्ज मिळाला,
आणि तेव्हा त्या दिवसापासून तर आजपर्यंतच्या या फॅमिलीने जो घोटाळा केला आणि यासोबतच ज्या फर्म्स होत्या त्या फर्म्सचा आम्ही मागच्या 5 वर्षापासून या समितीला जी समिती आता उप समिती आम्ही तयार केली आहे त्या समितीच्या माध्यमातून त्याची चौकशी करू. त्या समितीचे अध्यक्ष आमचे संजय कुमार बालपांडे आहेत, प्रगतिताई पाटील सदस्य आहेत आणि आयशा उईके यासुद्धा आमच्या त्या समितीच्या सदस्य आहे. त्यांना 15 दिवसाची वेळ दिली आहे की 15 दिवसात यांनी मागच्या 5 वर्षात किती घोटाळा केला या संबंधीची संपूर्ण माहिती त्यांनी स्थायी समितीजवळ समोर सादर करावी. मामा की बारात में परिजनों के साथ नाच रहे बालक को ट्रैवल्स बस ने कुचल डाला. घटना उमरेड मार्ग के काना सेलिब्रेशन के सामने हुई. इस दर्दनाक हादसे से तनाव निर्माण हो गया. नागरिकों ने पथराव कर ट्रैवल्स बस को क्षतिग्रस्त कर आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया. इस हादसे में मृतक पारशनी निवासी 5 वर्षीय शुभम साजन काकड़े बताया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि हैदराबाद का नाम यदि भाग्य नगरी किया जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. यह कहना है केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का जो नागपुर दौरे के दौरान बोल रहे थे. हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पुराने नामों को बदलकर नए नाम रखे गए हैं. स्वतंत्रता के बाद अपनी भावनाएं सुरक्षित रखने के लिए नाम बदला जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. बीजेपी बहुत पहले से मांग कर रही है कि औरंगाबाद का नाम श्री संभाजीनगर किया जाए. रेलवे मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि गांव का नाम बदला जाता है तो स्टेशन का भी नाम बदल जाएगा. आगामी समय पर रेल का नाम भी भाग्य नगरी के नाम से चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में हम गलत नहीं बोल रहे हैं. हर आदमी की तबीयत खराब हो सकती है, वह जल्द स्वस्थ होकर जल्दी आए. रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में परकियों ने जो आक्रमण किए है और हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंची है और पुराने जो नाम थे वो नाम चेंज किए है तो उसमें अगर आप अपने स्वतंत्र में होने के बाद अगर आप उन कुछ अपनी भावना सुरक्षित रखने के लिए अगर ऐसा नाम चेंज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए. नहीं, हम उनके तबीयत के बारे में कभी गलत नहीं बोल सकते. तबीयत तो हर आदमी की ख़राब हो सकती है. हम तो ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आके इस महाराष्ट्र के सेवा में, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में जल्दी आए. बिल्कुल रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये मैं कई बार बोला हूँ और हमारे मंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में भी बोला है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा. सेंधमारी तथा डकैती की वारदात में लिप्त गैंगस्टर राजा गौस के भांजे कुख्यात सोहेल उर्फ भांजा को जोन 4 के विशेष दल ने पकड़ा है. सिंधी बन ताजबाद निवासी सोहेल के खिलाफ कई मामले दर्ज है. राजा गौस का किसी समय शहर में आतंक था, उसका भांजा होने से सोहेल का भी दबदबा बढ़ गया था. मिली जानकारी के मुताबिक राजा गौस लंबे समय से साथियों सहित जेल में है. सोहेल ने गत दिनों हुड़केश्वर थाना परिसर में सेंधमार की घटना को अंजाम दिया. वह जीआरपी को भी ट्रेन डकैती की घटनाओं में वांछित था. जोन 4 के दल को सोहेल के इमामवाड़ा थाना परिसर में होने का पता चला. पुलिस ने योजना बनाकर उसे दबोच लिया. सोहेल वाठोड़ा, प्रतापनगर तथा वर्धा में चोरी की कई घटनाओं में लिप्त है. सेंधमारी तथा डकैती की वारदात में लिप्त गैंगस्टर राजा गौस के भांजे कुख्यात सोहेल उर्फ भांजा को जोन 4 के विशेष दल ने आखिरकार धर दबोचा. तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर.
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने बुधवार को रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले के आरोपी पत्रकार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी मनीष नगर निवासी विकास उर्फ विवेक लक्ष्मण ढोकने हैं। वह एक न्यूज पोर्टल का पत्रकार बताया जा रहा है। इसके साथ ही वह दवाई वितरण का काम भी करता है। कोविड संक्रमण के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई थी। इसका फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। इसके जरिए वे लाखों रुपए कमाने का प्रयास कर रहे थे। 16 अप्रैल 2021 को जरीपटका पुलिस ने आरोपी ढोकने के रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने की सूचना मिली थी। इस आधार पर मार्टिन नगर में ढोकने को कब्जे में लिया गया। इस दौरान उसके पास अलग अलग कंपनी के 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन पाए गए थे। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दहेज के लिए विवाहिता की प्रताड़ना करने का मामला रद्द करने के लिए ससुराल पक्ष पर 25,000 रुपए का दावा खर्च ठोका है। यह राशि 4 सप्ताह में विदर्भ महिला वकील संगठन को अदा करने का आदेश दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि दवा खर्च देने के बाद ही यह फैसला अमल में आएगा। यह मामला बुल्ढाणा के मेहकर का है। संबंधित दंपति मतभेद के कारण अलग हुए। इस बीच पत्नी ने पति व उनके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पति ने तलाक के लिए दीवानी न्यायालय में याचिका दायर की। आगे चलकर दोनों पक्षों में आपसी समझौता कर विवाद को समाप्त किया। दीवानी न्यायालय ने इस आधार पर तलाक मंजूर किया। इसके बाद पति ने दूसरा विवाह किया, लेकिन पत्नी की शिकायत पर दायर केस बरकरार था। लिहाजा ससुराल पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट को बताया कि पत्नी ने भी केस रद्द करने का विरोध नहीं किया। इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने ससुराल पक्ष को सशर्त राहत दी। नागपुर में राज्य शिक्षा मंडल ने मार्च 2022 की परीक्षा के मद्देनजर 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तहत 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि में इजाफा किया है। दूसरे फैसले के तहत कोविड संक्रमण की वजह से पालकों को खोने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। इन दोनों फैसले से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल विभिन्न कारणों से कई विद्यार्थी कक्षा 10वीं के आवेदन पत्र नहीं भर पाए थे, लिहाजा उन्होंने विभागीय कार्यालय के मार्फत मंडल से परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की थी। इसे देखते हुए बोर्ड ने विद्यार्थियों को 26 दिसंबर तक नियमित शुल्क व विलम्ब शुल्क के साथ 1 जनवरी 2022 तक आवेदन पत्र भरने की छूट दी है। इसके बाद स्कूलों को बोर्ड कार्यालय में फॉर्म जमा करने को कहा गया है। कोविड संक्रमण की वजह से पालकों को खोने वाले विद्यार्थियों की मांग भी लंबे समय से बोर्ड के पास लंबित थी। इस संबंध में गत दिनों बोर्ड ने फैसला लेते हुए ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क को माफ करने का फैसला लिया है। इस फैसले का लाभ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। हालांकि बोर्ड ने शर्त यह लागू की है कि यह छूट केवल नियमित विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर अब राज्य में माहौल गर्माते जा रहा है। वही राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी कई आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी भी ओबीसी के राजकीय आरक्षण की मांग कर रही है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बसपा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ओबीसी आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग प्रदर्शन के दौरान की। आज बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीपजी ताजने साहेब यांच्या दिशानिर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टीच्या मार्फत ओबीसी बांधवाचं जे राजकीय आरक्षण या ठिकाणी संपुष्टात आलेलं आहे, ते राजकीय आरक्षण या आघाडी सरकारनं या ठिकाणी त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ते संपुष्टात आलेलं आहे। बहुजन समाज पार्टीच्या वतीनं आमची अशी मागणी आहे की हे राजकीय आरक्षण या ठिकाणी लागू झालं पाहिजे। या संदर्भात आम्ही जे निवेदन दिलेलं आहे, आमच्या सोबत बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट डी एम भगतसाहेब, बहुजन समाज पार्टीचे जिल्ह्याचे झोन इन्चार्ज सत्तोजी ताडे साहेब, जिल्हा महासचिव दिलीप सरकटे साहेब, जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण माळी साहेब, जिल्हा कोषाध्यक्ष धम्मपाल ताडे साहेब, जिल्हा संघटन मंत्री धीरज भाऊ इंगळे, हे आंदोलन नेते आरक्षणाच्या बाबतीत बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने मी सांगू इच्छितो की आतापर्यंत जेही सरकार या राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये ज्यांनी सत्ता सांभाळली, हे सर्वच्या सर्व पहिल्यापासून आरक्षणाच्या विरोधात त्यांनी काम केलेलं आहे। आणि भारतीय संविधानानं जे प्रावधान दिलेलं आहे आरक्षणासंदर्भात, मग ते ओबीसीचं आरक्षण असेल, SC ST आरक्षण असेल, जो बॅकलॉग आहे तो बॅकलॉगसुद्धा हे सरकार भरत नाही। आणि आज ओबीसीचं जे राजकीय आरक्षण आहे या ठिकाणी जे संपुष्टात आलेलं आहे, ते राजकीय आरक्षण सुद्धा लागू झालं पाहिजे। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आप VKB News। नमस्कार।